किस दिन जन्मे बच्चे ज्यादा भाग्यशाली होते हैं। जिस तरह जन्म कुंडली, जन्म तिथि और हस्त रेखा के जरिए व्यक्ति का स्वभाव और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है, ठीक उसी प्रकार जिस दिन व्यक्ति का जन्म होता है उस दिन के हिसाब से उसकी पर्सनालिटी के बारे में भी काफी कुछ पता लगाया जा सकता है। जी हाँ, सप्ताह के सातों दिनों में जन्मे लोगों की खासियतें अलग अलग होती है। तो चलिए जानते हैं सप्ताह के अलग अलग दिन जन्मे लोगों का स्वभाव और भविष्य कैसा होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि हर दिन की भी अपनी अलग एनर्जी होती है, जो उस दिन पैदा होने वाले बच्चे के व्यक्तित्व और गुणों में भी झलकती है। ज्योतिष के अनुसार आप सप्ताह के जिस दिन भी पैदा हुए हैं उसके हिसाब से अपने बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। आइए जाने किस दिन पैदा होने वाले लोगों में क्या खूबियां होती है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं हनुमान जी का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय बजरंगबली लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए जानते हैं सोमवार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सोमवार के दिन पैदा हुए लोगों का स्वभाव चंचल होता है। सोमवार को जन्मे लोग दूसरों को खुशियां बांटते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो ये हमेशा खुश रहते हैं। इस दिन पैदा हुए लोगों को खांसी, जुकाम जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये लोग अपने लक्ष्य को पाने के लिए बेहद मेहनत करते हैं। इन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद ये लोग हंसमुख होते हैं और काफी मीठा बोलते हैं। चंद से संबंध होने के कारण इनका मन चंचल रहता है और निरंतर विचार बदलते रहते हैं। ये लोग बुद्धिमान, कला प्रेमी और बहादुर होते हैं और सुख दुख में एक जैसे रहते हैं। इस दिन जन्मे व्यक्तियों की याददाश्त बहुत तेज होती है, लेकिन इनमें धैर्य की बहुत कमी होती है। मंगलवार। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगलवार के दिन पैदा हुए लोग हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं। इस दिन जन्मे लोग दिमाग के काफी तेज होते हैं, लेकिन स्वभाव से बहुत मासूम और सीधे होते हैं। ये अपनी बातों से कभी पलटते नहीं हैं। अगर इन्हें कोई बात बुरी लग जाती है तो फिर ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। मंगलवार को जन्म लेने वाले व्यक्ति क्रोधी, पराक्रमी, अनुशासन प्रिय, ऊर्जा से परिपूर्ण और नए विचारों का समर्थन करने वाले होते हैं। इस दिन जन्मे व्यक्तियों पर मंगल ग्रह का विशेष प्रभाव रहता है। इस दिन जन्मे व्यक्ति सभी बाधाओं को पार कर हमेशा प्रगति के पथ पर अग्रसर होते हैं। ऐसे लोग अपनी प्रशंसा सुनने के बहुत इच्छुक रहते हैं। इनके दांपत्य जीवन में समय समय पर विरोधाभास की स्थिति आती है। अधिक क्रोध के कारण आसपास के लोगों से इनकी ज्यादा नहीं बनती। बुधवार। ज्योतिष के अनुसार बुधवार के दिन जन्मे लोग बुद्धिमान होते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार और समाज के प्रति समर्पित होते हैं और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें पढ़ने लिखने का काफी शौक होता है। बुधवार के दिन जन्मे लोगों के पास कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इनका बात करने का तरीका भी काफी अलग होता है। वैसे भी बुधवार का दिन गणेश जी का माना जाता है। इस दिन जन्मे लोग बुद्धिमान होने के साथ बातचीत करने में माहिर होते हैं। ये लोग अपने परिवार के प्रति बहुत समर्पित होते हैं और उनके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। इन्हें काफी भाग्यशाली माना जाता है, इसलिए ये किसी भी समस्या में फंसकर आसानी से बाहर भी निकल आते हैं। गुरुवार। ज्योतिष के अनुसार गुरुवार के दिन जन्मे लोग बहुत आकर्षक और प्रभावशाली होते हैं। इनका व्यक्तित्व दूसरे लोगों को प्रभावित करता है और ये आसानी से लोगों को अपनी ओर
आकर्षित कर लेते हैं। ये बातचीत करने में माहिर होते हैं। ऐसे लोग काफी समझदार और साहसी भी माने जाते हैं। गुरुवार को जन्म लेने वाले लोग बहुत ही बुद्धिमान और साहसी होते हैं। किसी भी मुश्किल का सामना करना इन्हें बखूबी आता है। इनसे कोई भी व्यक्ति बहुत ही जल्दी प्रभावित हो जाता है। इनके दोस्त बहुत ही अच्छे और इनके प्रति समर्पित होते हैं। इन्हें अपनी उम्र के 7, 12, 13, 16 और 30वें साल में समस्या का सामना करना पड़ सकता है। शुक्रवार, ज्योतिष के अनुसार शुक्रवार के दिन जन्मे लोग आकर्षक और बहुत सीधे स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोग लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते हैं और अपने जीवन में शांति और खुशी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। इनकी बुद्धि भी काफी तेज होती है। इन्हें कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। प्रेम के मामले में ऐसे लोग एक जगह नहीं टिक पाते। इनके स्वभाव में ईर्ष्या अधिक होती है। इनका वैवाहिक जीवन सफल कहा जा सकता है। शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन है। इस दिन जन्मे इंसान बहुत जिंदा दिल, बुद्धिमान, मृदुल स्वभाव वाले, सहनशील और भावुक होते हैं। इनमें हर स्थिति को अपने अनुकूल बनाने की अद्भुत क्षमता होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा के कारण समानता इन्हें जीवन का हर भौतिक सुख प्राप्त होता है। यह दानी प्रवृत्ति के होते हैं और दूसरों की मदद के लिए सदैव तैयार रहते हैं। ये लोग साहित्य, कला और संगीत के प्रेमी होते हैं। इन्हें 20 और 24 वर्ष की आयु में कुछ दिक्कतें उठानी पड़ सकती है। शनिवार के दिन जन्मे लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ये आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं और इनमें लड़ने का जज्बा गजब का होता है। हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए खूब मेहनत और संघर्ष करते हैं। जो लोग शनिवार को पैदा होते हैं, वे आलसी और संकोची होते हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने के लिए योजना तो बनाते हैं, लेकिन उन योजनाओं के अनुरूप कार्य नहीं करते। इन लोगों से दोस्ती करते वक्त सावधानी बरतने की जरूरत होती है। परिवार वालों और रिश्तेदारों से भी इन्हें बहुत सुख नहीं मिलता। इनके जीवन में कितने ही कष्ट क्यों ना आए, अपने हंसमुख स्वभाव के कारण ये लोग विचलित नहीं होते। शनिवार को जन्मे जातक हल्के गेहुए, साफ रंग के, अपने फन में माहिर लेकिन क्रोधी स्वभाव के होते हैं। इनकी बहुत जल्दी ही लोगों से अनबन हो जाती है। ये अपने धुन के पक्के होते हैं। इन्हें जीवन में बहुत उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में विजय इन्हीं की होती है। इन्हें जीवन में बहुत संभल कर चलने की आदत होती है, जिससे कभी कभी ये आलसी भी हो जाते हैं। इनके दोस्त बहुत कम होते हैं और ये अपने दोस्तों के प्रति ईमानदार होते हैं। परिवार वालों, रिश्तेदारों और दोस्तों से इन्हें बहुत सुख प्राप्त नहीं होता है। इनको जीवन के 20, 25 और 45 साल की आयु में कुछ दिक्कतें हो सकती है। रविवार का संबंध सूर्य देव से है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। सिंह का अर्थ है शेर और शेर को स्वतंत्रता पसंद है। इसलिए रविवार को जन्म व्यक्ति किसी की अधीनता में कार्य करना पसंद नहीं करते। समान तौर पर भागशाली होते हैं, कम बोलते हैं और कला एवं शिक्षा के क्षेत्र में मान सम्मान प्राप्त करते हैं। धर्म में भी रुचि रखते हैं और फैमिली मेंबर्स के साथ ही दोस्तों और रिश्तेदारों को भी खुश रखने की कोशिश करते हैं। यदि इन लोगों को नेतृत्व का कार्य सौंप दिया जाए तो किसी भी क्षेत्र में बेहतर परिणाम देते हैं। रविवार भगवान सूर्य का दिन है। इस दिन पैदा हुए लोग समानतः तेजस्वी, भाग्यशाली और दीर्घ आयु वाले होते हैं। कम बोलते हैं लेकिन सोच समझ कर बोलते हैं और उनकी बातों का अपना प्रभाव होता है। इन्हें कला, साहित्य, शिक्षा और परामर्श के क्षेत्र में सफलता आसानी से प्राप्त होती है।
या आस्थावान होते हैं और परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ हमेशा अपना संबंध बनाए रखते हैं। 20 से 22 साल की उम्र में इन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। रविवार के दिन जन्मे लोगों पर सूर्य ग्रह का प्रभाव रहता है, इसलिए इन लोगों पर सूर्य देव का आशीर्वाद बना रहता है। ये हर क्षेत्र में सफलता हासिल करते हैं, साथ ही इनका कैरियर भी बहुत अच्छा होता है। ये बातचीत में माहिर होते हैं। ये अपने परिवार और दोस्तों के बीच बहुत लोकप्रिय होते हैं। ये गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। राजयोग साथ लेकर जन्मे होते हैं। इन बर्थ डेट वाले बच्चे पिता के लिए होते हैं, भाग्यशाली माने जाते हैं। कुछ लोग इतने भाग्यशाली होते हैं कि उनके जन्म के बाद से घर में खुशहाली और समृद्धि आने लगती है। अंक ज्योतिष में ऐसी 3 तारीखों के बारे में बताया गया है जिनमें जन्मे बच्चे किस्मत के धनी माने जाते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं मूलांक 9 के बारे में। जिन बच्चों की जन्म तारीख 9, 18 और 27 होती है, उनका मूलांक 9 होता है। इस मूलांक के बच्चे ऊर्जावान और साहसी होते हैं। इनके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं होती। ये हर काम में पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। अगर ठान ले तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इनके पास जमीन जायदाद की कोई कमी नहीं होती। इस मूलांक के कई लोगों के पास खेती की काफी जमीन होती है। ये लोग कृषि उत्पादों से काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। मूलांक 9 वाले जातक पिता के लिए काफी भाग्यशाली माने जाते हैं। कहते हैं इनके जन्म के बाद से इनके पिता की किस्मत चमक उठती है। इनकी किस्मत में राजयोग लिखा होता है। अगर ये सही दिशा में और सही समय पर अपने कैरियर को बनाने में लग जाएं, तो ये अपार सफलता हासिल कर सकते हैं। ये लोग नौकरी में ऊंचे पदों पर कार्यरत होते हैं, साथ ही बिजनेस में भी अच्छा कमा सकते हैं। ये रिस्क वाले काम करने में माहिर होते हैं। इनकी आर्थिक स्थिति अनुमन अच्छी होती है। इन्हें ससुराल पक्ष से भी धन लाभ होने की आसार रहती है। इनकी जिंदगी उतार चढ़ाव भरी होती है, लेकिन ये चुनौतियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि हर हाल में जीत हासिल करके ही दम लेते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।